जय भोले की दोस्तों। तो इस वीडियो में हम वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, जो जम्मू कश्मीर में स्थित बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरी देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछनी हो, ठीक है, मेरे से जाननी हो, तो कमेंट में अपनी जो भी दिक्कत हो, मतलब कैसे जाना है, जो भी मतलब आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो मेरे से। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रम हिंदू मंदिर में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा या त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्या देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से जाना भी जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उधमपुर से कटरे तक एक रेल संपर्क को हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ संपूर्ण भारत और विश्वभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर का निकटतम बड़ा शहर है जम्मू, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भारत के तमाम बड़े शहरों से जुड़ा है। जम्मू तक बस, टैक्सी, ट्रेन तथा हवाई जहाज के मदद से आया जा सकता है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर स्थित है तथा ब्रॉड गेज लाइन के रेल जाल से जुड़ा हुआ है। वैष्णो देवी का मंदिर या भवन कटरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू शहर से लगभग 50 किलोमीटर स्थित एक कस्बा है। मंदिर तक जाने की यात्रा इसी कस्बे से शुरू होती है। कटरे से पर्वत पर चढ़ाई करने हेतु पदयात्रा के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पालकियाँ, खच्चर तथा विद्युत चालित वाहन भी मौजूद हैं। इसके अलावा कटरे में सांझी छत, जो कि भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है, तक जाने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। कटरा नगर जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। पूर्वतः रेलवे की मदद से केवल जम्मू तक पहुंच पाना संभव था, परंतु कुछ विगत वर्ष में कटरे को जम्मू बारामूला रेल मार्ग से भी श्री वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के जरिए जोड़ा गया, जिसके बाद सीधे कटरा तक रेल मार्ग द्वारा पहुँच पाना संभव है। गर्मियों में तीर्थयात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि के मद्देनज़र अक्सर रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली से कटरा के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसके आसपास कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, लोग ज़्यादातर जाते हैं। तो कटरा व जम्मू के नज़दीक कई दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन हैं, जहाँ जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहू फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने लायक स्थान हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दी में यहाँ आप स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं। कटरे के नज़दीक शिवखोड़ी, झज्जर कोटली, सानासर, बाबा धनसार, मानतलाई, कुद, बटोट आदि कई दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं। तो भाई लोगों, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप कुछ भी वैष्णो देवी मंदिर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो मेरे से, तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो भाई लोगों, जय माता की। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आज तक आप वैष्णो देवी नहीं गए हो तो एटलीस्ट एक बार तो अपने जीवन में वैष्णो देवी माता के दर्शन ज़रूर करके आओ। तो जय माता की। मिलेंगे ऐसे किसी मंदिर की या तीर्थयात्रा की वीडियो में। जय भोले की।